एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद जुगो जुग अटल चवर शतर तखत दे मालक तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन अते पवित्र हजूरी दे विच जुड़ बैठी गुरु रूप गुरु खालसा साध संग जी आओ सब तो पहला कलगीधर पिता दशमेश पिता शहीद पुत्रां दे पिता ते शहीद पिता दे पुत्र धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज वालों बख्शी हुई फतेह की सांझ करिए जी गज वज के दिओ प्यार दा सबूत ते आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज मैं आप जी दे नाल कुछ विचार सांझे करन लगा हाँ। मेरे अज दे बोलन दा विषय है देश की आजादी दे अंदर सिखां दा योगदान। जेकर सिख धर्म दे इतिहास की गल करिए ता इसका जन्म ही दबे कुचले ते लताड़े हुए लोगों नू आजाद कराउन जात पात ऊच नीच ते फोकट कर्म कांडां तों खलासी करवा के आत्मक अते समाजिक पक्ष तों सुतंत्र कराउन लई होया है। भारत दा इतिहास इस गल दा गवाह है कि इत्थों दे लोगों की आपसी फुट अनैतिकता चरित्रहीनता दे कारण ही यह मुल्क लगभग 2000 सालां तक कदे शकां दा कदे हूनां दा कदे गौरियां दा कदे गजनवियां दा कदे खिलजियां दा कदे तुगलकां दा कदे फारसियां दा कदे फ्रांसियां दा कदे मुगलां दा ते कदे अंग्रेजां दा गुलाम हुंदा आ रहा है। होर ते होर यह पानी भरन वाले माशकियां ते गुलाम वंश ते गुलामां दा गुलाम भी रह चुका है जेडे इत्थों दे लोकां दे नाल भेडां बकरियां वाला व्यवहार करदे सन। हजारां सालां दी इस गुलामी ने इत्थों दे लोकां दी अणख वीरता ते गैरत नूं खत्म करके रख दिता सी। एक इतिहासिक सच्चाई है कि सन 712 ईस्वी तों मीर कासम ने इत्थों दे लोकां दी अणख वीरता ते गैरत नूं चुनौती देनी आरंभ कर दिती सी। पूजण योग भगवानां दीआं मूर्तियां नूं ठुड्डे मार के निरादर कीता जाण लगा। देश दी धन संपत्ति घोड़े गड्डियां ते लद के आपो अपने देशां विच भेजी जाण लगी। देश दीआं सुंदर नौजवान लड़कियां नूं पूरे संसार भर दे विच तोहफ्यां वजों भेजिया जाण लगा ते गजनी दे बाजारां विच इन्हां दा मुल टका टका रख के वेचिया जाण लगा। पर इन्हां ऋषियां ते मुनियां ते चक्रवर्ती राजां दी संतान दे नाल भरे हुए देश विचों कोई कुसक ना सकिया। इस सारे ही अनर्थ नूं भगवान दी रजा समझ के बर्दाश्त कीता जाण लगा। होर ते होर दिल्ली दे राजे नूं ही भगवान समझ के उस दी पूजा कीती जाण लगी। एक इतिहासिक सच्चाई है कि सन 1521 ईस्वी नूं गुरु नानक साहिब ही ऐसे पहले गुरु होए हन जिन्हां ने बाबर बादशाह नूं आख दिता कि ऐ बाबर तू बाबर नहीं तू जाबर है, तेरी हुकूमत वचणां दी है। नतीजे वजों भावें श्री गुरु नानक देव जी नूं जेल दीआं चक्कियां ही क्यों ना पीणियां पईआं पर इन्हां चक्कियां दे विच आपने हिंदू आगमन वेले ही भारत दी राजसी हालात बहुत दुखदायक सी। वक्त दे हाकम जालम ते आयाश बन चुके सन। बाहरों आए कुछ कु हमलावर करोड़ां दी हिंदू कौम नूं भेडां बकरियां दे वांग हिकदे रहिंदे सन। इन्हां नित दीआं जुल्मां कारण चार चुफेरे मौत तबाही ते काल ही काल खिलरिया रहिंदा सी। हर पासे सीना जोरी दा राज सी, ना दाद ना फरियाद ना किसे पासों आसरे दी आस। सच गायब हो चुका सी, झूठ प्रधान बन चुका सी, स्वार्थ मनुख दा मुख धर्म बन चुका सी। हिंदू ते मुसलमान दोवें तरहां वहमां ਧਰਮਾਂ ਪਖੰਡਾਂ ਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਧਰਮ ਬਣੀ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਝੰਝੋੜਿਆ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਲੂਣਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਖੱਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਰਾ ਬਣਨ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਪਾਸੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੀਵਨ ਸੰਘਰਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਲੁਕਣ ਵਾਲੇ ਭਗੌੜੇ ਨਾਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜੀਵਨ ਸੰਘਰਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਗਤ ਨਾਨਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਸਹੇਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟਕ ਰਹੀ ਲੁਕਾਈ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਰੱਬੀ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਜੰਗਲ ਮਾਰੂਥਲ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਸੱਚ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਰਾਹ ਨਾ ਰੁਕ ਸਕੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਹਰ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੀ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰੱਬੀ ਸੁਨੇਹਾ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਗਰਜਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਸੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਬਰਾਂ ਤੇ ਭਾਗੋਆਂ ਤੇ ਭਾਰੂ ਪਈ। ਇਹੀ ਸੱਚ ਦੀ ਸੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਡੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰੂ ਪਈ। ਇਸ ਸੱਚ ਦੀ ਸੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ
कोई जाबर कोई जुल्म टिक ना सकिया। श्री गुरु नानक पातशाह ने हर जाबर हर जुल्म दे विरुद्ध आवाज उठाई। वक्त दे राजसी हाकमां नूं राजेशी मुकदम कुत्ते कह के वंगारिया। श्री गुरु नानक पातशाह जी दे ज्योति जो समाउण तों बाद वारी वारी गुरु साहिबाना ने देश दे लोकां अंदर आजादी दी चेतना नूं जगाउण दे लई सख्त मेहनत कीती। इस मेहनत नूं किसे मुकाम ते पहुंचाउण दे लई गुरु साहिबाना वल्लों सख्त कुर्बानियां भी देणियां पईआं। पंचम पातशाह शहीदां दे सरताज शांति दे पुंज ते आजादी दे मोढ़ी तन तन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी की लसानी कुरबानी ने तो लोगों नूं झंझोड़ के ही रख दिता ते उन्हां अंदरली सुती हुई आत्मा नूं जगाउण दे लई मजबूर कर दिता। इन्हां दे पिछों दूजे शहीद होए हन श्री गुरु तेग बहादुर जी ते उन्हां दे नाल दे सिख भाई मतीदास जी भाई सतीदास जी भाई दयाला जी श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के चारे साहबजादे ते बेअंत ही सिंघां सिंघणियां ने इस देश की आजादी के खातर अपनियां जानां कुरबान कीतियां। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे ज्योति जो समाउण तों बाद समुची सिख कौम गुरुआं दे पाया होया पूरनिया ते चलदी रही कि सन 1710 ईस्वी नूं बाबा बंदा सिंह बहादुर ने पंजाब दे कुछ इलाकियां ते अपनी हुकूमत कायम करके एक मिसाल कायम कीती। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने पहले खालसा राज की स्थापना की जिस तों बाद सिखां ने इस देश की आजादी के खातर बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइया चरखड़ियां ते चढ़े आरिया नाल अपने बच्चियां दे टोटे टोटे करवा के उन्हां दे हार अपने गलां दे विच पाए। इत्थे बस नहीं खालसा पंथ ने महाराजा रणजीत सिंह की अगवाई दे विच हिंदुस्तान की धरती ते एक लामिसाल हलेमी राज की स्थापना की। एक अजिहा हलेमी राज जिसने विदेशी हमलावरां दे घरां दे विच जाके दरां खैबर पिशावर ते काबुल ते कंधार तक भी केसरी निशान चला दिते जो कि खालसे दे दबदबे दी एक मूंह बोलदी तस्वीर है कि अज भी दुनिया दे सब तो वड्डे दहशत पसंद ओसामा बिन लादेन वर्गे दीआं पठाणी मावां अपने बच्चों नूं खालसे दी याद करवाउंदियां होईआं कहिंदियां हन कि बच्चा चुप छा हरिया रग लै। शायद ही हिंदुस्तान दे लोकां नूं इस गल दा पता ना होवे कि समुचे भारत नूं गुलाम करन वाली अंग्रेज हकूमत दे मनहूस पैर खालसे ने सन 1849 ईस्वी तक पंजाब दी सर जमीन ते ना पैण दित्ते। बेशक 1849 ईस्वी तो बाद ए पंजाब अंग्रेजां दा जिस्मानी तौर ते गुलाम हो चुका सी पर इस नूं आजाद कराउण दी अग अजे भी खालसे दे दिलां दे विच लट लट करके बल रही सी जिस दे फलस्वरूप कदे गुरद्वारा सुधार लहरां कदे कूका लहरां कदे सिंघ सभा लहरां इन्हां लहरां तों ही प्रभावित होके गांधी जी ने श्रोमणी अकाली दल नूं इह टैलीग्राम लिख के भेजा सी कि मैनूं देश आजाद कराउण दा नुस्खा मिल गया है। गुरद्वारा आजाद हो गया है मुबारक होवे हुण देश भी तुसीं आजाद कराउणा है। चाबियां वाले मोर्चे तो प्रभावित होकर गांधी जी ने गल आखी सी कि देश आजादी की पहली लड़ाई जित ली गई है। इत्थे पंडित जवाहर लाल नहरू जी ने भी सिखां नूं इस गल की वधाई दित्ती सी जो कि आजादी दे विच अपनियां जानां निशावर कर रहे सन। देश दे अंदर आजाद सिखां दी कुल आबादी भावें 2% भी नहीं है पर जेकर वेख्या जावे तां पुलिस दीआं लाठियां खाण वालियां गोलियां नाल शहीद होण वालियां अपने घर काट जमीनां जायदादां दीआं कुरकियां करवाउण वालियां देश आजाद होण तों बाद भी आ 1962 दीआं चीन दीआं लड़ाइयां समें देश आजाद होण तों बाद भी आ 1972 दीआं पाकिस्तान नाल लड़ाइयां समें अते अज कल कारगिल दी ओ जेकर निरपक्षता दे नाल जांच करवाई जावे तां इह 2% दा हिस्सा 98% तों घट जे होने लगा। देश अंदर सिखां वालों कीतियां गईयां कुरबानियां दी गिणती 3697 बनती है अते होरना भारतीय कौमां वालों कीतियां गईयां कुरबानियां दी गिणती इन्हां दे मुकाबले सिर्फ ते सिर्फ 1074 बनती है। सो सात संगत जी जेकर वेख्या जावे तां सिख कौम ने होरना भारतीय कौमां नालों कई गुणा वध के कुरबानियां कीतियां हन। इह सारा वेरवा तां आजादी प्राप्त करन दा इक हिस्सा है दूजा हिस्सा दिल नूं हिला के रख देण वाला है। ओह धरती जिथे पाकिस्तान बणिया उत्थे 170 तों वी वध अपने इतिहासक गुरद्वारे छड के सिखां नूं भारत पंजाब ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਫਿਰਕੂ ਫਸਾਦ ਹੋਏ ਅਨੇਕਾਂ ਸੁਹਾਗਣਾ ਦੇ ਸੁਹਾਗ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਨੇਕਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਤਰਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਗਰਦਨ ਕੱਟ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਚੀ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕੁਸ ਗਈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪਿਆ।
ਸੋ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਏਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ ਜੇ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਦਿਓ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।